A very good morning to the students of 11th class. Here your elective English teacher, Ms. Paramveer Kaur. Yesterday we have started the noun phrase, in which we have discussed that what do we mean by a noun phrase and what is included in a noun phrase, and how we can replace the words which are in subject with the suitable nouns. So for today we are going to start its second part of a noun phrase, that is the general structure of a noun phrase. Aaj apan noun phrase de ek general matlab aam structure bare gal karange. Either a pronoun, kehnde ede vich ki hai, ek pronoun vi use ho sakta. Pronoun ki hunda va? You should know what do we mean by a pronoun. Pronoun is a word which is used in the place of a noun. Pronoun matlab oh shabd jehda apan noun di jagah te use kar sakde, jivein ki he, she, it, you, they, them, etc. For example, Rohan is my friend. Rohan is very honest. दो सेंटेंसेस आ, पहला सेंटेंस आपां एज इट इज़ रखांगे, रोहन इज़ माई फ्रेंड एज इट इज़ रख लिया. सैकेंड की सीगा, रोहन इज़ वेरी ऑनेस्ट, है ना. सो इत्थे आपां की करता, रोहन नूं आपां रिप्लेस करांगे ही दे नाल, दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट. सो सेंटेंस की बन गया, रोहन इज़ माई फ्रेंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट. पहला की सीगा, रोहन इज़ माई फ्रेंड एंड रोहन इज़ वेरी ऑनेस्ट. सो दो बारी रोहन आया सी, आप दूसरी टाइम रोहन नू रिप्लेस कर दिता ही दे नाल, सो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन. हुण कहिंदे जिहड़ा नाउन फ्रेज आ उहदे विच एक प्रोनाउन भी आपां यूज़ कर सकते हैं. हुण देखो की मेन इहदे विच इनकलूडड है. जिवें आपां कल गल कीती सीगी कि जिहड़ा नाउन फ्रेज आ उहदे विच डिटरमिनर, डिटरमिनर मीनस द वर्ड विच डिटरमाइनस द पोजिशन ऑफ अ नाउन. डिटरमिनर मतलब कि वह शब्द जिहड़ा डिटरमाइन करता वा नाउन की पोजिशन नू, कि इस तों बाद आउण वाला शब्द की होवेगा, नाउन होवेगा. जिवें कि इहदे विच आर्टिकल आपां कल कीते सीगे ए एन दा, इस तों इलावा आपां कुछ कि इहदे विच डिटरमिनर भी कीते सी. ऑल राइट, सो डिटरमिनर्स लाइक ए एंड द, हिज, हर, मैनी, ऑल, अबाउट, ए की है कहिंदे सारे डिटरमिनर्स है. ठीक है, हुण नाउन फ्रेज दे विच की इनकलूडड आ. नंबर वन आ गया अपने कोल राजे डिटरमिनर, फिर की आ गया एडवर्ब, फिर की आ गया एडजेक्टिव, फिर की आ गया लास्ट बट नॉट अ लीस्ट इज ऑलवेज अ नाउन. देखो पहला आपां आपदा फ्रेज देखते हाँ, अ वेरी प्लीजेंट जर्नी. हुण इहदे विच अ इन्हां ने कादे विच कैटेगरी दे विच पाया वा, डिटरमिनर दे विच, बिकॉज इट्स एन आर्टिकल. ते वेरी किहदे विच कैटेगरी विच पाया, इन्हां ने रख्या वा एडवर्ब दे विच, बिकॉज इट्स एन एडवर्ब. ते प्लीजेंट की आ गया, एक क्वालिटी दस रहा कि जर्नी किदां दी है. ठीक है, सो ये की आ गया एडजेक्टिव, ते जर्नी की आ गया नाउन. फिर देखते हाँ ऑल, सॉरी आर मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये अपने को नाउन फ्रेज, इनू इन्हों ने कैटेगराइज किया. देखो आर की आ गया डिटरमिनर, मोस्ट की आ गया एडवर्ब, डिफिकल्ट की आ गया अपने को एडजेक्टिव, ते प्रॉब्लम की आ गया अपने को नाउन. फिर है ऑल वेल क्वालिफाइड पीपल, ऑल की आ गया डिटरमिनर, वेल की आ गया एडवर्ब, एडजेक्टिव की आ गया क्वालिफाइड, ते पीपल की आ गया अपने कोले नाउन. सो ये की हो गया राजे तुहाडा, कि जिहड़ा एक नाउन फ्रेज आ उहदे विच डिटरमिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी यूज हो सकता है. नैक्सट देखते हैं, फिर आ गया एग्जाम्पल्स ऑफ लोंगर नाउन फ्रेजिस. कहिंदे इस तों इलावा अगर इस तों भी वड्डे नाउन फ्रेजिस आ तां ओह किस तरह दे होणगे, ते उहनां विच की इनकलूड होगा. देखो नंबर वन डिटरमिनर, नंबर टू एडजेक्टिव, नंबर थ्री अगेन एडजेक्टिव, नंबर फोर नाउन. मीनस जिहड़ा एक लोंगर नाउन फ्रेज आ उहदे विच दो एडजेक्टिवस प्लस एक डिटरमिनर भी यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अ ब्राउन वूडन बॉक्स, ये आपां कल भी कीता सीगा. अ की आ गया आर्टिकल विच इज़ द पार्ट ऑफ अ डिटरमिनर. ब्राउन की आ गया, हुण ब्राउन की आ कलर दस रहा वा, मतलब क्वालिटी दस रहा वा एडजेक्टिव. हुण वूडन की आ गया, अगेन इट इज़ टेलिंग अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, सो इट इज़ अगेन एन एडजेक्टिव. एंड बॉक्स इज ऑलवेज अ नाउन, ते बॉक्स की आ गया इत्थे राजे नाउन आ गया. फिर द टॉल यंग मैन, हुण देखो दी की आ गया डिटरमिनर विच इज़ अगेन एन आर्टिकल, टॉल की आ गया क्वालिटी दस रहा वा कि आ जिहड़ा मैन आ टॉल आ. ठीक है, सो इट्स एन एडजेक्टिव. एंड यंग ए भी की आ गया एडजेक्टिव, ते मैन की आ गया नाउन आ गया. इसे तरह अ चार्मिंग लिटल गर्ल, सो अ की आ गया अपने कोल डिटरमिनर विच इज़ द पार्ट ऑफ अ डिटरमिनर. फिर की आ गया अपने कोल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की आ एडजेक्टिव की आ गया चार्मिंग, ते लिटल की आ गया अपने कोल अगेन
एडजेक्टिव एंड गर्ल की आ गया नाउन। सो ये तो अपन की पता लग गया कि जोड़े लोंगर नाउन फ्रेजिज आ उस अगर दो एडजेक्टिव भी यूज होंगे आते भी की आ नाउन फ्रेज हों वा अगर वो डिटरमीनर आ प्लस दो एडजेक्टिव आ प्लस नाउन आप उस जोड़ा फ्रेज आ उसनों नाउन फ्रेज के ही काउंट करा। फिर देखते हैं आप नैक्सट एग्जाम्पल डिटरमीनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखो ये की आ गए हूँ दो डिटरमीनर एक एडजेक्टिव एक नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं ऑल दी ओल्ड विमेन ऑल की आ गया डिटरमीनर द की आ गया अगेन डिटरमीनर ओल्ड की आ गया क्वालिटी दस रहा वा कि किदा दे ओल्ड मतलब बजुर्ग विमेन की आ गया अपने को नाउन। फिर क्वाइट एन अट्रैक्टिव पिक्चर हूँ क्वाइट की आ गया डिटरमीनर एन की आ गया आर्टिकल सो विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ डिटरमीनर। फिर की आ गया अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव इज टेलिंग अस अबाउट समथिंग अबाउट द क्वालिटी सो इट्स एन एडजेक्टिव एंड पिक्चर इज़ अ नाउन। बोथ द मैरिड लेडीज बोथ की आ गया अपने को डिटरमीनर दी की आ गया डिटरमीनर मैरिड की आ गया अपने को एडजेक्टिव एंड नाउन की आ गया अपने को लेडीज। ऑल राइट सो एक ही हो गया राजे कि जेड़ा लोंगर नाउन फ्रेज आ उदे विच दो डिटरमीनर्स प्लस एक एडजेक्टिव दे प्लस एक नाउन भी आप यूज कर सकते हैं। नैक्सट देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिटरमीनर प्लस एडवर्ब प्लस टू एडजेक्टिव प्लस नाउन। कहते जो नाउन फ्रेज आ उदे विच एक डिटरमीनर प्लस एडवर्ब प्लस टू एडजेक्टिवस प्लस नाउन भी हो सकता जिमें अ रियली ब्यूटीफुल यंग प्रिंसेस हूँ अ की आ गया डिटरमीनर रियली की आ गया एडवर्ब ब्यूटीफुल की आ गया एडजेक्टिव यंग की आ गया अगेन एडजेक्टिव प्रिंसेस की आ गया नाउन। इसी तरह सम वेरी थ्रिलिंग मॉडर्न आइडियाज सम का कैटेगरी के आया डिटरमीनर वेरी का आ गया अपने को एडवर्ब थ्रिलिंग मॉडर्न की आ गया अपने को बोथ आर एडजेक्टिवस एंड आइडियाज इज़ अ नाउन। अगेन इस तरह जो थर्ड आ भी सेम आ। सो इतों आप पता लगे कि जोड़ा एक नाउन फ्रेज की इनकलूड हों नंबर वन की आ गया डिटरमीनर ओके पहली आप कैटेगरी की ध्यान ना देखो नंबर वन डिटरमीनर आ सकता वो एडवर्ब भी आ सकता एडजेक्टिव तो प्लस नाउन ये भी कैटेगरी हो सकती है। फिर की है एक डिटरमीनर प्लस दो एडजेक्टिव प्लस नाउन ये भी हो सकता। फिर की किया सीगा कि दो डिटरमीनर एक एडजेक्टिव प्लस नाउन ये भी फॉल कर सकता। फिर आप एक डिटरमीनर एक एडवर्ब दो एडजेक्टिव प्लस नाउन। सो ये की आ गई सारिया नाउन फ्रेजिज अपने को एग्जाम्पल्स आ गई। सो दिस वॉज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ नाउन फ्रेज के जोड़ा नाउन फ्रेज आ उसका जोड़ा आम स्ट्रक्चर आ इस तरह फॉलो होंगे तो यह की है राजे ये रूल्स। ऑल राइट ओके एंड ऑफ कोर्स देयर कैन बी लोंगर इवन बी लोंगर फ्रेजिज कंटेनिंग अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव इस अलावा कहते होर भी इस तो वे जो फ्रेजिज हो सकते जिद एक तो ज़्यादा दो तो इवन तीन तो भी ज़्यादा एडजेक्टिवस हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो अ ग्रीन कंट्री मेड लैदर सूटकेस द न्यू ट्राइंगुलर वुडन बॉक्स ठीक है। हम देख लो द की आ गया डिटरमीनर न्यू की आ गया अगेन अपने को एडजेक्टिव ट्राइंगुलर भी एडजेक्टिव आ गया वुडन भी एडजेक्टिव आ गया तो बॉक्स की आ गया अपने को नाउन ठीक है जी। नैक्सट राजे की आ एक्सरसाइज नंबर 14 ये एक तरह की एक्सरसाइज आ चलो आप सॉल्व करते हैं। पिक आउट ऑल नाउन फ्रेजिज फ्रॉम द फॉलोइंग कॉन्वर्जेशन एंड राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ईच एज शोन इन द एग्जाम्पल्स जी अपने को नीचे कॉन्वर्जेशन दी हुई है ये आप नाउन फ्रेज की करना वा पिक आउट करना पहले आप एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है ऑल वर ड्रेस्ड इन देयर फाइनेस्ट क्लोथ्स के सारे की आ आपके क्लोथ के ड्रेसअप हो चुके से ठीक है। चलो देखो ये ऑल की आ गया अपने को ऑल नू रख लिया नाउन फ्रेज आ एक ही एक प्रोनाउन यदि कैटेगरी के रख लिया हूँ वर्ग की आ गया अपने को हैल्पिंग वर्ब आ नाउन फ्रेज हैल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होंगे इसलिए इनू आप कटता। ड्रेस्ड की आ गया अपने को मेन वर्ब ये भी नहीं यूज़ होंगी इनू भी आप कटता। इन की आ गया अपने को प्रपोजिशन आ गई इनू भी आप कटता। सो वर ड्रेस्ड इन ये सब कटिया गया विचों रह की गया एक ऑल जिहड़ा आप प्रोनाउन की कैटेगरी ले आंदा तो पिछे की रह गया अपने को देयर फाइनेस्ट क्लोथ्स हूँ देयर की आ गया अपने को डिटरमीनर आ फाइनेस्ट की आ गया एडजेक्टिव आ क्योंकि एक क्लोथ्स की आपां नूं की दस रहा वा क्वालिटी दस रहा कि क्लोथ्स कपड़े किदां दे आ सो ये आ गया एडजेक्टिव तो क्लोथ्स की आ गया अपने को नाउन। सो इस तरह आपां की किया इस एग्जाम्पल दे विचों नाउन फ्रेज की किया पिक आउट किया। इस तरह जिहड़ा नैक्सट लिखा हुआ वा द एम्पायर उन्हां दी कॉन्वर्जेशन तुसीं पढ़नी है
फिर लिखिया द प्राइम मिनिस्टर उन्हां दी भी पढ़नी है फिर अगेन द एम्पायर हुण ये जिहड़ी तीन कॉन्वर्जेशनस आ ये तुसी अपने आप सॉल्व करनिया ने क्योंकि हुण तक आपां बहुत डीपली नाउन फ्रेज चंगी तरह पढ़ चुके हैं आपां कल भी किया नाउन फ्रेज दे विच की यूज़ हुंदा किद्दां किद्दां यूज़ हुंदा अज आपां इहदा जनरल स्ट्रक्चर भी यूज़ कर लिया देख लिया ठीक है कि किद्दां बनता वा हुण ये जिहड़ी सारी दी सारी कॉन्वर्जेशनस आ तीन आ एक दो एम्पायर दियां ने एक कादी आ प्राइम मिनिस्टर दी इहनू की करना वा आपां राजे तुसी अपने आप सॉल्व करके मैनू पिक्स सेंड करनी है ना आज दी आज ऑल राइट सो गॉड ब्लेस यू बेटा ते इस तो इलावा मैं एक तुहानू होर पैराग्राफ सेंड करूँगी नाउन फ्रेज का उहदे विचों भी तुसी नाउन फ्रेज की करना वा पिकआउट करके मैनू जिहड़ियां आपदियां पिक्स सॉल्व किए हुए दियाँ वो सेंड करनी है।